आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेश के सभी ट्रांसपोर्ट संगठनों ने दिनांक 5/10/19 से डीजल पर बढ़े हुए टैक्स, गाड़ियों पर लाइफ टाइम टैक्स, टोल RTO बैरियर पर अवैध वसूली को लेकर हड़ताल का आह्वान किया है। इसी के चलते सेंधवा ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन ने मध्य प्रदेश की यूनियन को समर्थन किया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला किया, जिसमें सेंधवा के सभी मोटर मालिकों ने अपनी ट्रकों को खड़ा करके विरोध किया और यूनियन के पदाधिकारियों ने STM कार्यालय जाकर ज्ञापन दिया। प्रदेश में जो डीजल के में भाव में वृद्धि हुई है और जो बाडलों पर अवैध वसूली है, इस कारण हमारा व्यापार कर पाना मुश्किल हो रहा है। आगे ऐसे हाल रहे तो हम गाड़ियां नहीं चला पाएंगे। अभी हमने निर्णय लिया है कि 5 तारीख से हम सब हड़ताल पर रहेंगे। कब तक चलेगी हड़ताल? हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती जब तक हम हड़ताल पर ही रहेंगे। क्या क्या मांगे आपकी? बस ये जो पेट्रोल डीजल में वृद्धि हुई है और इनकम टैक्स में जो संशोधन हुआ है। संवाददाता मोहसिन मंसूरी की रिपोर्ट।